श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस लाइन में भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए जगह जगह झांकियां सजाई जा रही हैं। आपको बता दें कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा, जिसके लिए शासन ने निर्देश जारी किया है। पुलिस लाइन में सबसे बड़ी झांकी सजाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन गली गली में झांकियां सजाई जाती हैं, जिसके लिए लोग पहले से ही तैयारियों में जुट गए हैं। सबसे आकर्षक झांकी पुलिस लाइन में सजाई जाती है। गुरुवार को पुलिस लाइन में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है, जिसके संबंध में एसपी लाइन राहुल भाटी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन व मीडिया कर्मियों को निमंत्रण भेजा गया है। पुलिस लाइन को पूरा सजाया जाएगा और दुकानें भी लगेंगी। लोग दुकानों पर से सामान की खरीदारी कर सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी लाइन राहुल भाटी ने कहा, जन्माष्टमी का प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी पुलिस का जो कार्यक्रम होता है हमेशा भव्यता के साथ मनाया जाता है, तो इस साल भी हमने 19 तारीख को यानी कि कल पुलिस लाइन परिसर में आदेश कक्ष के पास एक भव्यता से हम जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन जुडिशरी एवं मीडिया सारे मीडिया बंधुओं को हमने आमंत्रित किया है और मेरी तरफ से सारे गोरखपुर वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और 8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा पुलिस लाइन में और रात के 12 बजे तक ये चलेगा। सर इसमें कोई विशेष आयोजन प्रतिवर्ष की तरह मतलब जैसे पिछले साल कोविड था तो इस वर्ष वो कोविड वाली रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा भव्यता से इसको मनाया जाए।